हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धांत। टेक एंजल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आज बात करूंगा आपसे कि अगर आपकी पेन ड्राइव्स वगैरह करप्ट हो जाती हैं तो क्या करना चाहिए। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा पेन ड्राइव बहुत ही जल्दी करप्ट हो जाती हैं। आपने पेन ड्राइव निकाली, दोबारा लगाई करप्ट। आपने पेन ड्राइव निकाली और दो चार दिन के लिए रख दी, दोबारा लगाई करप्ट। आपका सारा डाटा करप्ट, पेन ड्राइव फैट लिख के आने लगी, विंडोज वाज अनेबल टू फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से बहुत सारे मैंने भी देखा है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, ये अगर कम्प्लीटली करप्ट है तो आप 1000 वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पर, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो पेन ड्राइव खराब हो चुकी है आपकी। एक तरीके से कम्प्लीटली अगर करप्ट है तो वो खराब हो चुकी है। अगर लेकिन अगर आप पेन ड्राइव को दो चार दिन ही हुए हैं खराब हुए, उसे अभी खराब हुई है, नई पेन ड्राइव थी, आप अच्छी पेन ड्राइव थी, आपने डाटा डाला, वो करप्ट हो गया है, तो हाँ, जरूरी नहीं कि आपका डाटा से बचे, पर आप उसको कई सारे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं पेन ड्राइव को खराब होने से। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला तरीका आता है, वो किस क्या तरीका होता है, वो आप जाइए पेन ड्राइव को लगाइए, वहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, विंडोज वाज अनेबल टू फॉर्मेट लिख के अगर आ रहा है तो उससे पहले एक बार फॉर्मेट कीजिएगा, क्विक फॉर्मेट को वहाँ से हटा दीजिएगा, जो क्विक फॉर्मेट होता है वहाँ से हटा दीजिएगा और नॉर्मल फॉर्मेट करके देखिएगा। अगर इस तरीके से फॉर्मेट होता है तो अच्छा है, वरना दूसरा तरीका आप समझ लीजिएगा क्या होता है। दूसरा तरीका, आप कंप्यूटर में जाइएगा, डिवाइस मैनेजर में जाइएगा, वहाँ स्टोरेज में जाइएगा, डिवाइस मैनेजर में स्टोरेज दिया हुआ होता है, चौथे पांच नंबर पर ही होता है। वहाँ स्टोरेज में जाने के बाद जब आप जाएंगे डिवाइस मैनेजर में स्टोरेज पे जाएंगे तो हाँ, आपको पेन ड्राइव आपका शो करेगा लगा हुआ, कि पेन ड्राइव है आपका, फैट है या फिर कितने जीबी का है, वो सब शो करेगा वहाँ पे। तो आप वहाँ से जाके फॉर्मेट का ऑप्शन चुनिएगा, वहाँ पे फॉर्मेट होने का ऑप्शन होता है दिया हुआ, वहाँ राइट क्लिक करेंगे आप अपनी पेन ड्राइव पर जाकर, वहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन चुनेंगे, क्लिक कर दीजिएगा उस पर। कुछ टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन फॉर्मेट हो जाएगा। अगर उस तरीके से भी फॉर्मेट नहीं होता है तो दोस्तों एक और तरीका है, वो है रन खोलिएगा अपने कंप्यूटर में, जहाँ पे विंडोज़ का स्टार्ट बार दिया होता है वहाँ रन टाइप कीजिएगा, RUN रन। तो रन टाइप करने के बाद में आपका रन खुल जाएगा, वहाँ एंटर कर दीजिएगा, फिर कमांड CMD टाइप कीजिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा आपका। वहाँ पर आप अपना DIR चुन लीजिएगा, डिस्क ड्राइव जितनी लगी हुई होती हैं वो निकल आती हैं, वहाँ पर DIR आ जाएगा आपका, जितनी फाइल्स होती हैं। अगर इसे चुनने का एक साधारण सा तरीका है, आप अपना पेन ड्राइव का जो नंबर होता है, जैसे जो ड्राइव है आपकी CDI इस तरीके से, जो कुछ भी GHI आपका, वो लेटर आपको टाइप करना होगा, चूज ड्राइवर टाइप करके आप वो लेटर पाथ टाइप कर दीजिएगा, वहाँ पर आ जाएगा। जब वो आ जाएगा उसके बाद फॉर्मेट टाइप कीजिएगा। इस तरीके से फॉर्मेट करने के जो सी ड्राइव फॉर्मेट करने के तरीके हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से फॉर्मेट करने के तरीके हैं, वो आपको यूट्यूब पर बहुत तरीके मिल जाएंगे। अगर आपको फॉर्मेट नहीं कर मिल रही है तो कमांड प्रॉम्प्ट से फॉर्मेट करने के तरीके आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख के फॉर्मेट कर सकते हैं। वैसे बहुत सिंपल होता है वहाँ से फॉर्मेट करना, लेकिन वहाँ से फॉर्मेट करने के बाद में आपको कई सारे लोग होते हैं वहाँ से फॉर्मेट करना बता देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको नया वो नहीं बनाना बताते, क्योंकि नया आपका ड्राइव वहाँ पे नहीं बन पाती है, आपकी ड्राइव फॉर्मेट तो हो जाती है लेकिन ड्राइव वहाँ शो नहीं करता, नई ड्राइव नहीं बना पाते हैं आप। तो वहाँ इतना और ध्यान दे लीजिएगा कि जब भी आप ड्राइव फॉर्मेट कर रहे हो तो क्रिएट पार्टीशन टाइप करके उस ड्राइव का नाम जरूर दे दें, क्रिएट पार्टीशन 1, क्रिएट पार्टीशन 2, इस तरीके से नाम जरूर दे दें, वरना आपकी ड्राइव नहीं चलेगी। ये होता है दोस्तों एक रियल तरीका फॉर्मेट करने का, ये सच्चा तरीका है, बताया है मैंने, 100% श्योर हूँ मैं इससे, क्योंकि मैंने इन तीनों तरीकों से अपना ड्राइव फॉर्मेट करके देखा था। पेन ड्राइव 2-3 दिन पहले मेरा करप्ट हुआ था, वो फॉर्मेट हो जाता है, 99% हो जाता है। अगर नहीं हो पता है आपका किसी कारणवश तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।